हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक पार्टी आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डिम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लें। तो फर्स्ट मैं आईब्रो को फिलिंग करूँगी। इसके लिए मैंने एक एंगल ब्रश लिया है एंड साथ ही मैंने ADS का ब्रो पाउडर लिया है इन द शेड ब्लैक। और इसे लेकर मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल करूँगी लाइक दिस। जो भी मेरे आईब्रोज में गैप है उसे मैं इस तरह से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड हम आईब्रो के एडजस्ट को क्लीन करेंगे एंड पूरी आईलिड पर भी कंसीलर को लगाएंगे और इसे मैं ब्लेंड करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। तो मैं ऊपर की साइड पर भी कंसीलर को लगा कर इसी तरह से मैं ब्लेंड आउट करूँगी। इससे क्या होगा, आपके आईब्रोज जो है एकदम नीट एंड क्लीन लगेंगे, शार्प लगेंगे एंड आपका आई मेकअप जो है बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न आउट होकर आएगा एंड साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लिया है एंड थोड़ा सा लूज पाउडर की हेल्प से मैंने इसे सेट कर लिया है। देन मैंने लिया है HR का आई शेडो पैलेट। इसमें से एक ट्रांसिशन शेड लेकर मैं इसे क्रीज पर इस तरह से लगाते हुए ब्लेंड करूँगी। आपको पहले ट्रांसिशन शेड लगाना होता है ताकि दूसरे कलर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्रीज पर एंड नीचे लोअर लैश लाइन पर जो भी ब्रश में प्रोडक्ट है उसे इस तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी। ब्लेंडिंग में काफ़ी टाइम देकर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मैंने लिया है एक पेंसिल ब्रश, उसके हेल्प से मैंने ये ब्यूटीफुल सा मजेंटा पिंक शेड लिया है और इसे मैं आउटर वी पर इस तरह से लगाऊंगी, साथ ही लगाऊंगी एंड इसे ब्लेंड आउट करूंगी। एंड ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड इसके आई शेडोज है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो, बिगिनर हो, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे कलर्स आपको मैट शेड में मिल जाएंगे। 32 कलर्स का ये आई शेडो पैलेट है। उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्रश लेकर इसे ब्लेंड आउट किया है। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा कलर मैं पिक करूँगी, जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिलता सेम कलर को लेकर मैं इसे बिल्डअप करूँगी सर्कुलर मोशन में और थोड़ा सा इस तरह से अंदर की ओर लाते हुए ब्लेंड आउट करूँगी लाइक दिस। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क मरूनी शेड लिया है ताकि आउटर वी जो है थोड़ा सा डेप्थ हमें मिले। तो कलर को इस तरह से प्लेस करते हुए मैं इसे ब्लेंड आउट करूँगी। अच्छे से कलर को ब्लेंड करें, प्लेस करते जाएं एंड जब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप कलर लेकर इसे लगाते जाएं एंड ब्लेंड करते जाएं। अगेन मैंने एक क्लीन ब्रश लेकर इसे जो भी एडजस्ट हमें मिले हम उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का गोल्डन लिक्विड आई शेडो लिया है। उसकी हेल्प से जहाँ हमने इनर थर्ड पर कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया था वहाँ पर इस तरह से इस कलर को लगाएंगे, ग्लिटर को लगाएंगे एंड थोड़ा सा ईयर डक पर भी मैं इसे लगाऊंगी। इससे ब्यूटीफुल लगते हैं आपके आईज एंड जो भी हार्श लाइन्स हैं हम उसे पिंक कलर को लेकर इस तरह से ब्लेंड आउट करेंगे। तो बहुत ही ईजी ये वाला आई मेकअप है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसे ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन यहाँ पर मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। इसके लिए मैंने लैक्मी का इंस्टा लिक्विड आईलाइनर लिया है एंड इस तरह से मैं एक लाइनर ड्रॉ करूँगी, विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, अच्छे से विंग लाइनर को ड्रॉ करूँगी। सो इस तरह से मैं लाइनर को ड्रॉ करूँगी एंड बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर हमारा लाइनर जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से इनर आइज़ पर भी मैं थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। देन लोअर लैश लाइन पर सेम मजेंटा पिंक शेड को एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लेकर हम अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। अगर आप काजल अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, वरना स्किप कीजिएगा। देन सेम इनर थर्ड पर मैं सेम ग्लिटर को इस तरह से अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा ब्रॉ बोन पर भी हाईलाइटिंग के लिए इस शेड को लगाऊंगी एंड फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देन यहाँ पर मैंने मेबेलिन का मस्कारा लिया है। मस्कारा की हेल्प से अपर एंड लोअर लैशेस पर मस्कारा को हम अच्छे से लगाएंगे। अच्छे से मैं 2-3 कोर्स मस्कारा के अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं फॉल्सिस का यूज़ करूँगी ऑफ कैमरा। ये वाला मस्कारा भी बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। ये वाटरप्रूफ नहीं है, वॉशेबल है, बट आपको लेंथ वॉल्यूम सब कुछ बहुत ही अच्छे से दे देगा।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फॉल्सेस को अप्लाई कर लिए हैं। दिस इज़ माय कंप्लीट फाइनल फिनिश लुक। आप इस आई मेकअप को बहुत ही अच्छे से पार्टी में, फंक्शन में, वेडिंग गेस्ट के तौर पर भी ईजिली कैरी कर सकते हो आपके आउटफिट के हिसाब से। तो चलिए गाइस, कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।